हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन बाल भारती पब्लिक इंटर कॉलेज डिजिटल क्लासेस एंड आई एम योर साइंस टीचर आनंद मिश्रा। एंड टुडेस टॉपिक इज सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो पेपरों में सबसे ज़्यादा आता है वही पार्ट है ये। और इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा जरूर बनने वाला है ये वीडियो, लेकिन आज ये वीडियो यदि आपने देख लिया तो ये चैप्टर का पूरा एक बार में आपको क्लियर हो जाने वाला है। अम्ल तथा क्षार के महत्वपूर्ण यौगिक आप देख रहे हैं, अम्ल तथा क्षार के महत्वपूर्ण यौगिक। इसमें हम आगे बढ़ जाएं तो आप देख सकते हैं, इसमें पहला वाला जो दिया हुआ है वो आपका टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ध्यान रखना है आपको, इसे बोलते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक का मतलब क्या होता है? जो चीज़ रंग उड़ा देती है, जो चीज़ रंग उड़ा देती है उसे विरंजक चूर्ण बोलते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे दिया हुआ है कि ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोरीन ऑफ लाइम। क्लोरीन ऑफ लाइम का मतलब यहाँ पर यह है कि क्लोराइड ऑफ लाइम को बोला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोला जाता है। क्लोराइड ऑफ लाइम का मतलब यहाँ पर इससे है कि ये चूने का क्लोराइड बोला जाता है। चूना जो आप जानते हैं CaCO3, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, उसको हम चूना बोलते हैं। इट इज़ अ सॉलिड, सॉलिड यानी ये ठोस होता है। येलोइश वाइट यानी हल्के से पीला कलर का होता है, लेकिन होता वाइट है इन कलर। ब्लीचिंग पाउडर कैन बी क्लासीफाइड इंडिकेटेड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, यानी इसमें क्लोरीन की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। जब ब्लीचिंग पाउडर को, जब विरंजक चूर्ण को जब आप देखेंगे, जब इसमें स्मेल करते हैं तो इसमें क्लोरीन की बहुत तीखी स्मेल आती है। वेल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। ये देखिए लिखा हुआ है CaOH का होल ट्वाइस, मैं दोबारा लिखा रहा हूँ CaOH का होल ट्वाइस। वैन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ होती है, किसके साथ होती है? क्लोरीन गैस के साथ होती है, तो CaCl2 यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, प्लस पानी निकलता है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन बेसिक इन नेचर, यानी जो हमारा जली विलन होता है विरंजक पाउडर का, वो कैसा होता है? क्षार होता है। कैसा होता है? क्षार होता है। द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर, मैंने आपको बता दिया ब्लीच का मतलब क्या होता है, कलर को निकालना यानी रंगों को हटा देना। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफन यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। हाँ तो स्टूडेंट, जैसा हम बात कर रहे थे कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कैसा होता है? क्षार होता है, और ब्लीच का मतलब होता है रंग उड़ा देना। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफन यूज एज ब्लीचिंग एजेंट, इसका यूज हम ब्लीचिंग एजेंट के रूप में करते हैं। इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग, यानी जो ऑक्सीडेशन होता है, ब्लीचिंग पाउडर जो ऑक्सीकरण करता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरीन की वजह से होता है। ध्यान रखना है आपको, क्लोरीन की वजह से होता है। क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट। यूजेस के बारे में हम बात करें, यानी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, तो इसका उपयोग डिसइंफेक्टेंट यानी कीटनाशी के रूप में इसका यूज़ होता है, पानी को साफ करने में। मॉस रिमूवर यानी बैक्टीरिया को हटाने में। वीड किलर्स यानी ऐसे पेड़ पौधे जो हमारे काम के नहीं होते हैं उनको हटाने में। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रुई का रंग उड़ाने में ध्यान रखना है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। ब्लीचिंग ऑफ वूल, ब्लीचिंग ऑफ वूल का मतलब समझ रहे हैं ना, ब्लीचिंग ऑफ वूल का मतलब है ऊन का रंग उड़ाने में। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज, जैसे टेक्सटाइल यानी कपड़े की इंडस्ट्री में, कपड़ा उद्योग में, पेपर इंडस्ट्री यानी पेपर के उद्योग में। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर था, जिसको आप अच्छे से समझ लिया है आप लोगों ने। यदि इसमें कोई भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट करें, और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और मुझे पर्सनल कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है, तो मैं आपको डाउट दूर कर दूंगा। फिर हमारी अगली हेडिंग आती है बेकिंग सोडा। देखिए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हाइपो प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरीन एल्किली प्रोसेस।
तो बेकिंग सोडा जो होता है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उत्पाद है, यानी महत्वपूर्ण उत्पाद है, जो कहाँ से मिलता है, हाइपो प्रोडक्ट्स, हाई प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरी एल्कली प्रोसेस, यानी क्लोरी एल्कली विधि जो होती है, क्लोरीन क्षार जो विधि होती है, उसी का ये उत्पाद है। द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका हिंदी में नाम है, जो आप लोगों को विशेष तौर पर याद कर लेना है, इंग्लिश वाले तो जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, चाहे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो या चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो, बाई क्यों, क्योंकि इसमें एश लगा हुआ है, ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बर्क, बाइकार्ब ऑफ सोडा ऑफ सिंप्लाई बाइकार्ब एक्सेट्रा सम अदर नेम्स ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के अलग अलग नाम कौन कौन से हैं, ब्रेड सोडा बोलते हैं, कुकिंग सोडा बोलते हैं, खाना पकाने का सोडा, खाने वाला सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडा का बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्ब, बाइकार्ब ऑफ सोडा यानी सोडा का बाइकार्ब या सिंप्लाई बाइकार्ब साधारण बाइकार्ब, ये भी अदर नेम है बेकिंग सोडा के। बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन, ब्राइन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ब्राइन क्या होता है, नमक की चाशनी को ब्राइन बोला जाता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नमक की चाशनी को, नमक की चाशनी यानी नमक का एक कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, ब्राइन बोला जाता है, ध्यान रखना है। तो ब्राइन फिर से बोल रहा हूँ, देखिए, बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन विद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मतलब CO2, ध्यान रखना है, और इसके बाद एंड द रिजल्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज टू रिकवर अमोनिया, यानी अब ध्यान रखना है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ये हो गया कार्बन डाई ऑक्साइड और ये हो गया आपका अमोनिया। अमोनिया को रिकवर करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, बट इट अपीयर्स एज फाइन पाउडर, लेकिन ये फाइन पाउडर जैसा हमें दिखाई देता है। आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए दूसरा वाला हमारा जो टॉपिक आता है वो दूसरे टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बात करें हम तो हमारा NaHCO3 जो हमारा होता है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। मेन चीज़ जो आपको समझनी है, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है उभय धर्मी। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो मैं आपको बता दूंगा कि उभय धर्मी क्या होता है। उभय धर्मी वो चीज़ें होती हैं जो एसिड के साथ बेस बन जाती हैं और बेस के साथ एसिड बन जाती हैं, विशेष ध्यान रखना है। उभय धर्मी एम्फोटेरिक का मतलब होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 स्प्रिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, यानी ये पानी में बहुत कम विलेय है, पानी में यानी जल में कम विलेय है, कम विलेय है, ध्यान रखना है, कम विलेय है। व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, डिकम्पोजर इनटू सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी 2NaHCO3 प्लस हीट गिव्स आउट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस पानी। तो रिएक्शन आपको दिख रही है, 2NaHCO3 प्लस हीट गिव्स आउट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस पानी। तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म वाटर थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तापीय विघटन, क्या होता है, तापीय विघटन होता है इसका मतलब। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेज इनटू सोडियम ऑक्साइड, ये सोडियम ऑक्साइड है और CO2 बता दिया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ऑन फर्दर हीटिंग। द रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, आपको ये लर्न कर लेना है, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन यानी निर्जलीय अभिक्रिया, निर्जलीय अभिक्रिया बोला जाता है, निर्जलीय अभिक्रिया बोला जाता है। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा के बारे में बात करेंगे
तो बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर विच इज़ यूज्ड इन कुकिंग एज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स द बैटर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। बेकिंग सोडा का यूज़ बेकिंग पाउडर के फॉर्म में किया जाता है क्योंकि जब हम इसको खाने में यूज़ करते हैं, खाना बनाने में जब हम इसका यूज़ करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जिससे हमारा जो बैटर होता है खाने का वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी, सॉफ्ट यानी मुलायम, स्पॉन्जी मतलब खसखस हो जाता है। बेकिंग सोडा यूज्ड एज एंटासिड, जब हमें एसिडिटी हो जाती है, जब हम अधिक खाना खा लेते हैं और हमारे पेट में ज़्यादा अम्ल प्रोड्यूस हो जाता है, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, तो हम कोई एंटासिड जैसे इनो वगैरह लेते हैं। इनो में भी क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा यूज टूथपेस्ट में यूज़ होता है विच मेक्स द टीथ वाइट, जो हमारे दांतों को साफ करता है और प्लेक फ्री रखता है। बेकिंग सोडा यूज इन क्लींजिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर, सिल्वर के यानी चांदी के आभूषणों को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 देता है एंड सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O देता है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत अधिक गर्म करने पर। थस इट इज़ यूज्ड एज फायर एक्सटिंगशर यानी अग्निशमन यंत्र, कैसा, अग्निशमन यंत्र बनाने में इसका यूज़ होता है, जो यंत्र आग बुझा देते हैं। अब हम बात करेंगे बेकिंग पाउडर की। बेकिंग पाउडर प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, सो इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग टू मेक द बैटर स्पॉन्जी। ऑल्सो बेकिंग सोडा ऑल्सो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग बट इट इज़ नॉट यूज इन कुकिंग बिकॉज ऑन हीटिंग बिकॉज बेकिंग सोडा प्रोड्यूसेस सोडियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड। द सोडियम कार्बोनेट थस प्रोड्यूसेस मेक द टेस्ट बिटर, 2NaCO3 प्लस हीट Na2CO3CO2 प्लस H2O। अब मैं बता दूँ, आप बेकिंग पाउडर का यूज़ तो कर सकते हो खाना बनाने में, लेकिन बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट बना देता है और CO2 गैस निकालता है, और सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 जो होता है ये कैसा होता है, बिटर, बिटर का मतलब होता है कड़वा होता है, और कड़वी चीज़ों को खाने में यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए बेकिंग पाउडर इज़ द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड। एडिबल एसिड कौन सा, आप दही में कौन सा एसिड खाते हो, आप दही में लैक्टिक एसिड खाते हो। लैक्टिक एसिड कौन सा एसिड होता है, जो दही में रहता है, काहे में रहता है, दही में रहता है, ध्यान रखना है। तो लैक्टिक एसिड को मिला देते हैं, ये एडिबल एसिड है। एडिबल एसिड मतलब खाद्य अम्ल है, ये कैसा है, खाद्य अम्ल यानी एडिबल एसिड है। आगे जनरली टार्ट्रिक एसिड मिक्स्ड विद बेकिंग सोडा अब मेक बेकिंग पाउडर। टार्ट्रिक अम्ल भी बता दे रहा हूँ मैं, टार्टरिक एसिड जो होता है इसको हम बोलते हैं इमली मिलता है, ये भी खट्टा होता है, खट्टी चीज़ों को हम कुछ हद तक खा सकते हैं। व्हेन बेकिंग पाउडर इज अ बेकिंग सोडा एंड एन एडिबल इज हीटेड द सोडियम कार्बोनेट फॉर्म बिकॉज ऑफ हीटिंग बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज आफ्टर रिएक्शन विद टार्ट्रिक एसिड एंड सोडियम टार्ट्रेट सॉल्ट इज फॉर्म्ड। द स्मेल ऑफ सोडियम टार्ट्रेट इज प्लीजेंट एंड टेस्ट इज गुड, दिस मेक्स द केक ऑफ एनी अदर फूड टेस्टी। और हमारा जो केक होता है या जो बाकी के खाने जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत टेस्टी होते हैं और मन इसमें स्मेल भी अच्छी आती है, आपको ध्यान रखना है, और हमारा खाने का मन भी चलता है। तीसरे वाले में बात करेंगे हम, इंटेक्स क्वेश्चन दिए हैं, वॉट इज़ द कॉमन सॉल्ट ऑफ कंपाउंड CaCl2 यानी CaCl2 का CaOCl2 का इसका आपका कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन नेम क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। नेम द सब्सटेंस विच और ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर, तो ध्यान रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, यानी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है तो ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्ट ड्रिंक हार्ड वाटर Na2CO3.NH2O। और इसके बाद वॉट विल हैपन इफ अ सोडियम इज हार्ड कार्बोनेट इज हीटेड विद, तो देखो यहाँ पे गर्म कर रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, 2NaHCO3 गिव्स आउट, गर्म कर दिया, तो Na2CO3 प्लस वाटर प्लस हमारी CO2 गैस बन गई यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। और चौथे वाले सेक्शन में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपको क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करना है, और ये वाली जो एक्टिविटी मैंने आपको दी है ये वाली एक्टिविटी आपको A4 शीट में करके सबमिट करना है जिससे कि आप लोगों का यूनिट टेस्ट हो चुके
और यही आपका यूटी का सिलेबस भी है, यूटी का सिलेबस है मतलब मैं इसका मैं कभी भी आप लोगों का टेस्ट ले सकता हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।